तो देश में नई सरकार के गठन को लेकर जो संशय चल रहा था वो खत्म हो गया। इंडिया गठबंधन सरकार बनाने के जो दावे पेश कर रहा था और जो अफवाहें चल रही थी उन पर भी विराम लग गया और आखिरकार एनडीए के नेता चुन लिए गए नरेंद्र मोदी। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने समर्थन दे दिया है और दावा भी पेश कर दिया गया है एनडीए की सरकार के गठन का। लेकिन सबसे बड़े दो सवाल और बड़ी चुनौतियां भी हैं ये कि नई सरकार के राह में 3.0 मोदी सरकार की राह में सबसे पहला रोड़ा यह होगा कि सहयोगियों को साथ लेकर किस तरह चला जाए, नए पोर्टफोलियो का बंटवारा भी किस तरह करना है, और साथ ही नरेंद्र मोदी जो अपनी एक हनक के लिए जाने जाते हैं, जो एक शेर की दहाड़ जैसी बातें की जाती थी नरेंद्र मोदी को कि शेर कैसे दहाड़ेगा, अब यह सवाल कहीं ना कहीं सबके जहन में आ रहा है क्योंकि अभी सरकार नहीं बनने से पहले ही कई सवाल खड़े हो गए हैं, खासतौर से सीए यूसीसीसी को लेकर। और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनके साथ राजीव चौधरी जी हैं कांग्रेस से, शरद अग्रवाल जी हैं बीजेपी से, राधेश्याम उपाध्याय जी हैं आम आदमी पार्टी से। तो शरद अग्रवाल जी से सबसे पहले मैं सवाल करना चाहूंगा। शरद अग्रवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सबका स्वागत है आपका। और सबसे पहला सवाल ये कि जो 3.0 मोदी सरकार का गठन होने जा रहा है, तय हो चुका है, 9 जून तारीख भी तय हो चुकी है शपथ ग्रहण समारोह की, लेकिन किस तरह रहेगा अब ये जो नया कार्यकाल है, क्योंकि कहीं ना कहीं माने या ना माने जब भी बैसाखियों पर सरकार चली है तो या तो सरकार बीच में ही रुक गई है, थम गई है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी अपने हनक के लिए जाने जाते हैं, अपने बड़े फैसलों को वे तपाक से करने के लिए जाने जाते हैं। जिस तरह उन्होंने 2014 में सरकार बनाई, उसके बाद नोटबंदी का जो फैसला लिया 2016 में, पता भी नहीं चला किसी को, उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों तक को पता नहीं चला था, और ये फैसले लेते, इसी तरह के फैसलों के लिए जाने जाते, किस तरह अब वे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सरकार के गठन से पहले ही केसी त्यागी हैं जो जेडीयू के नेता, उन्होंने यूसीसी पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। क्या कहना है आपका? इंडिया गठबंधन दावे कर रहा था कि सरकार का गठन हम ही करेंगे, सरकार नहीं बनेगी एनडीए की, हमारे पास वो फार्मूला है, हमारे से संपर्क कर रहे हैं जो एनडीए के लीडर्स भी संपर्क में हैं, और तमाम जो एनडीए के जो घटक दल हैं वो भी संपर्क में हैं, तमाम दावे फेल हो गए। अब सरकार एनडीए बना रहा है, और आज जिस तरह पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस तरह के भाषण दिए, एक तरह से फजीहत उड़ाने की कोशिश की है कांग्रेस की और इंडिया गठबंधन की, क्या कहना चाहेंगे उस पर? आगे क्या रणनीति होगी आपकी, क्योंकि जिस रणनीति को लेकर आप आगे बढ़े थे वो तो कहीं ना कहीं फेल हो गई। आप 232 सीटों पर सिमट गए, उसके बाद में आपको जो करना चाहिए था वो भी आपने वहां पर हथियार डाल दिए। किस तरह आगे लेंगे, विपक्ष में रहकर किस तरह आप रोक पाएंगे उन योजनाओं को, जिन योजनाओं के को लेकर आपने आंदोलन चलाए, धरने दिए, प्रदर्शन दिए, कैंपेन चलाया, राहुल गांधी जहां जा रहे थे वहां पर बात करते थे, और अब लोकसभा इलेक्शन के बीच में तो आपने हद कर दी उन मुद्दों को लेकर, फिर अब उन मुद्दों को कैसे आगे बढ़ाएंगे, कैसे जनता लोगों को संतुष्ट मिलेंगे जिनको विश्वास में लिया था आपने कि हम तो 8,500 रुपये हर महीने महिलाओं के खाते में डालेंगे, या अग्निवीर योजना को खत्म कर देंगे, फाड़ के फेंक देंगे, कैसे फाड़ पाएंगे, जवाब दीजिए। देखिए, 8,500 रुपये महीना देने वाली स्कीम कांग्रेस की, इंडिया गठबंधन की तब थी जब वो केंद्र के अंदर सत्ता में होते, और ये उन 15 लाख के दावों जैसे दावे नहीं थे, ये बिल्कुल धरातल पे उतारने वाले दावे थे। अगर हम सत्ता में केंद्र में बैठते तो इन दावों को हम पूरा करके दिखाते। अग्निवीर के लिए जो हम लोगों ने कहा था, बिल्कुल अगर हम सत्ता में आते तो अग्निवीर योजना को दोबारा से हम चर्चा में लेके आते, कोशिश करते इसको खत्म समाप्त करने के लिए। और बात है एनडीए के सत्ता में आने की, तो उन्होंने अपना प्रयास किया और इंडिया गठबंधन अपना प्रयास कर रहा था, और लोकतंत्र में जो चुनाव लड़ती है पार्टी वो केंद्र में सत्ता बैठने के लिए ही चुनाव लड़ती है, और प्रयास दे रहता है कि पूर्ण बहुमत पाके वो देश हित के लिए आगे ठोस कार्रवाई, ठोस कदम उठा सके। तो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा गया, बड़े जोर से चुनाव लड़ा गया, और अच्छा जनादेश मिला भी है। पहले के मुकाबले इस बार इंडिया गठबंधन बड़ा मजबूती से उभरा है, और अगले 5 साल हम विपक्ष में अच्छे मजबूती से हमारे मुद्दों को उठाए जाएंगे, और रोड पे संसद से लेकर रोड तक हम हमारी लड़ाई को जारी रखेंगे।
नहीं, वेट एंड वॉच जैसी स्थिति रहेगी आपके, कुछ वेट करेंगे आपके, कोई गठजोड़ करने की कोशिश करेंगे दोबारा के साल में, दो साल में कुछ सांसदों को तोड़ के, आप जिस तरह आरोप लगाते रहे हैं मोदी सरकार पर कि वो तोड़फोड़ की राजनीति कर, ऐसा कोई आपका प्लान है इन फ्यूचर? हमारी नीति ब्लैकमेल करने की, तोड़ने मरोड़ने की नीति नहीं है। जो अपनी स्वेच्छा से आना चाहे उसका स्वागत है, और वैसे भी एनडीए के अंदर हमने दो ऐसे लोग पहुंचा दिए हैं, नीतीश जी और नायडू बाबू, ये काम वो बेखूबी करना जानते हैं, तो हमें चीज की कोई परवाह नहीं है। हमारे को अगर विपक्ष में रहकर संघर्ष करना है बेखूबी निभाना जानते हैं, करते आएंगे। शरद अग्रवाल जी, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, थोड़ा लाउडली बोलिए और इनका जवाब दीजिए राजीव चौधरी जी का। सदन में बढ़ेंगी और भी जो हमारे राजनीतिक दल है एनडीए में शामिल होंगे, आप ये थोड़ा तेज बोल, थोड़ा आवाज लाउडली बोलिए, लाउडली थोड़ा सा लाउड। संसद में बढ़ेंगे और इंडिया अलायंस आपको टूटता हुआ दिखेगा मात्र 6 महीने। सारे इनके जो भी दावे हैं कांग्रेस पार्टी के, इंडिया अलायंस के धरे रह जाए। नहीं, लेकिन इनका कहना है नीतीश कुमार और जो चंद्रबाबू नायडू को लेकर, चंद्रबाबू नायडू से भी कहीं ना कहीं पीएम नरेंद्र मोदी की हल्की फुल्की टसल रही, आपको पता है जेल भी गए थे वो, और नीतीश कुमार को पलटी मारने के लिए जाना जाता है। नीतीश कुमार 8 बार सीएम बने रहे हैं और इसी खासियत की वजह से सीएम बने रहे, सीएम से ज्यादा उनको कुछ भी नहीं चाहिए, ये बात बिल्कुल तय है। लेकिन अगर उनको कोई लाभ परलाभ कहीं लगेगा, कोई लैकुना लगेगा, तो अभी भी संभावना है, ये तो सारे जो सारा मीडिया जगत भी जानता है और सारे पॉलिटिकल पार्टी भी जानती है। ये जो है एक परिवार है और उस परिवार के मुखिया के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को चुना गया है, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बखूबी जानते हैं कि किसी के भी मान को ठेस ना पहुंचे। और आने वाले समय में आपको पुनः कहूंगा कि एनडीए के अंदर और गठबंधन इसमें और भी दल शामिल होंगे और ये अलायंस जाएगा। राधेश्याम उपाध्याय जी, आप बताइए आम आदमी पार्टी का अब क्या कदम रहेगा अगला, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो प्रदर्शन की संभावना है लेके चल रही थी, इंडिविजुअली नहीं कर पाई, इंडिया गठबंधन ने ठीक है विपक्ष के तौर पर अच्छी भूमिका निभाएगा इंडिया गठबंधन, लेकिन इंडिविजुअली दिल्ली में किस तरह का की संभावना रहेगी, क्योंकि सातों सीटें जो, हालांकि 4 सीटें आपके पास थी, 3 सीटें आपने गठबंधन के तहत कांग्रेस को दे दी थी, 7 सीटों पर हार मिली है दिल्ली में, तो विधानसभा चुनाव में कोई गठबंधन की संभावनाएं भी नजर नहीं आ रही, क्योंकि आपके नेता हैं गोपाल राय जी, उन्होंने आज बोल दिया है कि वे अब इंडिविजुअल लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, जो तमाम जो पंजाब है दिल्ली राज्यों में, किस तरह की रणनीति रहेगी आगे आपकी, क्योंकि आपके तमाम जो कई बड़े लीडर्स हैं वो अभी भी जेल में हैं। ये जो चुनाव था साहिब के खिलाफ, इस देश के अंदर जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, उसको बचाने के लिए ये चुनाव था। जो इंडिया गठबंधन था उसमें कई क्षेत्रीय दल थे, राष्ट्रीय पार्टियां थी, तो हमने इस गठबंधन का एक हिस्सा बने और जो रीति नीति गठबंधन में तय की हम उसी के अनुसार चले, और भारत की जनता ने जो जनादेश हमें दिया हमने सहर स्वीकार किया। अभी मैं शरद जी को सुन रहा था, सरकार बनाने जा रहे हैं, 10 साल इन्होंने राज कर लिया और आज भी ये विपक्ष को गालियां दे रहे हैं, अपनी कोई योजना नहीं बता रहे कि हम देश में आगामी क्या करेंगे, हमारा बेरोजगारी से क्या रहेगा, महंगाई से क्या रहेगा, हम किसानों के लिए क्या लेकर आएंगे। ये अभी मैं देश के प्रधानमंत्री को भी सुन रहा था, वह भी भाषणबाजी कर रहे थे, पर वो शायद भूल गए कि चुनाव हो चुके हैं, जनता ने एमपी चुनकर देखते हैं, सरकारें बन रही है, लेकिन वो अभी भी भाषणबाजी से बाहर नहीं आ पाई। तो मेरा यही कहना है कि एक साफ सुथरी अखंड धरती आप बीच में ना बोले, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने, शरद जी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, जो लोगों के मन में जो एक भावना थी प्रधानमंत्री के खिलाफ
थोड़ा तेज बोलिए। तो इसलिए मैं जो अभी मैं कह रहा था कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, संविधान से चलता है, हमें यहाँ पर इस जनता ने जो जनादेश दिया है उसका सम्मान करना है, फीस नहीं निकालनी। आप हिंदू और मुस्लिम कर रहे हो, इस देश के अंदर सभी धर्मों का सम्मान होता है। आप ये बताइए कि अब आगामी आप क्या करने वाले हो, वो बात नहीं करेंगे। आप तो सिर्फ ये कह रहे हो कि राहुल गांधी ने क्या कहा, अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, हमें भारत की जनता ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, वो है विपक्ष की, और हम आपके हर गलत फैसले का विरोध करेंगे। जनता के हित में जो आप फैसला लोगे हम उसका समर्थन करेंगे। शरद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, शरद जी की बात सुन लेते। शरद जी आवाज थोड़ी सी कम आ रही, थोड़ा लाउडली बोलिए, आप जवाब दीजिए। अनुरोध करूंगा कि आप इस बात को इमोशनली होकर ना लेने, लेकिन आप मन में जब हाथ रख के सोचेंगे, दिमाग में हाथ रख के सोचेंगे, मन पे हाथ रखें और दिमाग से सोचें, आपका दिल जवाब देगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किए हैं राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य किए हैं। झूठ बोल रहे हो आप। देश के प्रधानमंत्री ने इस देश की जनता का खून चूस लिया, अनाप शनाप जीएसटी लगाकर इस जनता पे प्रहार किए गए, किसानों पे लाठियां बरसाई गई, बेरोजगारों पे लाठियां बरसाई गई, जो अपने हक और हकूक की बात करने वाले थे उनको आप खालिस्तानी और पाकिस्तानी कहा, और आप इस डिबेट में बैठकर अभी भी झूठ बोल रहे हो। जनता ने आपको पीछे भेज दिया, देश के प्रधानमंत्री के नाम पे चुनाव लड़ा जाता है और अपनी ही सीट से 5 राउंड के अंदर पीछे चलते हैं। आप तो कह नहीं सकते कि आपको बार बार अभी भी कह रहे हो कि जनता ने आपके साथ ठीक नहीं किया। आपने जुमलेबाजी की, अगर देश के प्रधानमंत्री ने सभाओं में अगर ये कहा होता कि हमने 10 साल में ये काम किया है, उन्होंने काम के नाम पर वोट नहीं मांगा। जितनी भी यूपी की सरकार रही उन्होंने कभी भी देश की संपूर्ण जनता को संबोधित इस प्रकार से नहीं किया। आदरणीय नरेंद्र मोदी से हैं और खुद को प्रधान के रूप में जताते हैं। मैं जानना चाहूंगा, आपसे पूछना चाहूंगा, ऐसा कब हुआ कि आपके किसी की समय में देश जनता को कभी सिरोमोर बनाया नहीं बनाया? सर जी आप जनता के जनादेश को स्वीकार नहीं करते। दिल्ली एनसीपी चुनाव के अंदर जनता ने जब आपको बेदखल किया, आप वहां कुंडली मारकर बैठ गए थे। चंडीगढ़ चुनाव के अंदर भी आपने वही किया, कोर्ट की वजह से हमें न्याय मिला। और आपने गोवा के अंदर विधायक बनते एमपी के अंदर तोड़फोड़ किया, महाराष्ट्र के अंदर तोड़फोड़ किया, और अभी आपने ये कहा कि इंडिया गठबंधन में भी तोड़फोड़ होगी। इसका मतलब आप काम नहीं करने वाले, आप वही करोगे एक्सरसाइज जो आप पिछले 10 सालों से करते आ रहे। राजीव चौधरी जी उनके परिपाठी का निर्णय करना। राजीव चौधरी जी मेरा सवाल अब आपसे ही है कि ठीक है, आपने कहा विपक्ष में बैठेंगे मजबूती के साथ, लेकिन उन फैसलों को किस तरह रोक पाएंगे जो विपक्ष आप आरोप लगाते रहे कि 150-150 सांसद हैं उनको बाहर कर दिया जाता है, हाउस के बाहर कर दिया जाता है, और उसके बाद कानून पास कर दिए जाते हैं, तो वो तो अभी भी होता रहेगा, सरकार तो फिर बन गई है, उसका विरोध किस तरह करेंगे? क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा जो मैंडेट है वो लिया है और जनता ने आपकी बात को सुना है, समझा है, विश्वास किया है, उसके आधार पर ही आपको मैंडेट दिया है, तो उस एक बड़ा जो मतदाता वर्ग है उसको संतुष्ट करने के लिहाज से आपको विपक्ष में किस तरह की भूमिका रहेगी, या आपको विश्वास है कि जो दो बंदों की बात आप कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार की, वो आपके पास लौट आएंगे और सरकार फिर आप चलाएंगे? देखिए मैं इतना से कहना चाहूंगा कि जो धार मोदी जी की थी पिछले 10 साल के अंदर, अब वो धार खत्म हो चुकी है, क्योंकि अब पूर्ण बहुमत से भाजपा सरकार लोकतंत्र को नहीं चला पाएगी और वहां पे ये 5-10 जनादेश नहीं है, तो कहीं ना कहीं पे इनके तानाशाही पे लगाम लगेगी। और मोदी जी जो अपनी मनमानी करते आए हैं उसपे बहुत हद तक रोक लग जाएगी, और मजबूरी में ही सही उनको अपने साथी गठबंधनों के साथ में सलाह मशवरा करना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी आज
आज जो एनडीए की बैठक थी नीतीश कुमार जी उसमें पैर छू रहे थे मोदी जी के, पहला नजारा देखने को मिला है वही नीतीश कुमार है जो नरेंद्र मोदी जी को जो पीएम का फेस बनाने के बाद विरोध में बैठ गए थे और एनडीए से नाता तोड़ लिया था, लेकिन आज सिनेरियो चेंज हो चुका है। नीतीश कुमार जी जो पांव भी छूते हैं और पांव पकड़ के खींच भी लेते हैं, गेर भी देते हैं, तो नीतीश कुमार जी के ऊपर ज्यादा अपन गहराई में अच्छी तरह जानते हैं कि वो किस प्रवृत्ति के इंसान है। अटक करते हैं प्रधानमंत्री जो प्रधान सेवक के रूप में खुद को झलकती है। शरद जी ये एक बात तो है, लेकिन नरेंद्र मोदी पीएम रहते हुए बड़े फैसले देते हैं, मैनेजर बहुत बहुत जबरदस्त वाले हैं, ऐसा लग नहीं रहा था, ऐसी आशंका थी कि नीतीश कुमार और जो चंद्रबाबू नायडू हैं वो बड़ी बार्गेनिंग करेंगे, पावर बार्गेनिंग का जो गेम है वो शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन स्पष्ट है, देश को विकसित बनाना है, और आज तक जितनी भी सरकारें पूर्व में रही उन सब से जो भी कमियां रही या जो भी हम माने विकास उस समय में हुआ उस समय के हिसाब से हुआ, पर उसको कभी नरेंद्र मोदी जी ने अपनी गति को रुकने नहीं दिया। साथ ही साथ आप ये देखिए कि उड़ीसा में 24 साल बाद जब सरकार बनने जा रही है दोबारा, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये स्पष्ट किया है कि उड़ीसा का आने वाले समय में गुजरात की तरह ही विकास किया जाएगा। आप देखिए किस प्रकार से हर उड़ीसा का, तो उन्होंने जो मैंडेट आने के बाद में ये भी चर्चा रही कि जय श्री राम की जगह जय जगन्नाथ बोले थे, वो क्या कहीं ना कहीं वो डैमेज कंट्रोल कर रहे थे जो आपके एक प्रवक्ता ने बोल दिया था संबित पात्रा ने कि जय जगन्नाथ जगन्नाथ को लेकर। सनातन संस्कृति है जी विजय जी, आपके मन में आस्था के रूप में कभी माँ शक्ति स्वरूपणी दुर्गा माँ का ध्यान आ जाए, आपका ध्यान कभी बजरंग बली जी की ओर लगा हो, कभी आपका ध्यान जगन्नाथ पुरी जी की ओर लगा हो, तो उस समय में आप किसी ना किसी समय आपके कोई ना कोई इष्ट देव होते हैं, आप उनकी पूजा कर रहे होते हैं, आराधना कर रहे होते हैं। नहीं, एक बयान निकला था संबित पात्रा ने दिया था कि जगन्नाथ प्रभु है, उनके आराध्य नरेंद्र मोदी है, और भले ही उस पर बाद में उनका उसके लिए माफी मांगी, बाद में उन्होंने आक्षेप आ गया था हालांकि, तो क्या उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने ये बात कही कि श्री राम की जगह जय जगन्नाथ। पूरे विश्व के गुरु हैं, रिपब्लिकन के कोई नेता दे देते तो मुझे लगता है कि पूरे भारत के अंदर भूचाल आ जाता, लेकिन इनके साबित पात्र जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है वो अनाथ सना बयानबाजी करते रहते हैं और वो उसको फिर माते में गए घूमते हैं। नहीं, आजकल तो कम आते हैं वो डिबेट्स में, आकर संसद में भेजा है, जीत गए आजकल, वो जननेता के रूप में वो आगे आए हैं। अच्छा राधेश्याम जी, आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती तो यही है, बड़े जो मैं फिर वही दोहराऊंगा कि आपके जो बड़े लीडर्स हैं वो जेल में हैं, सीएम केजरीवाल भी जेल में हैं, क्या रणनीति रहेगी आपकी, क्या कोई धरना प्रदर्शन कैंपेन करेंगे, क्योंकि नई सरकार का गठन होने जा रहा है, सरकार भी वही है और आरोप भी वही है, आप ये कह रहे हैं कि ये प्लानिंग के साथ स्कीम्स के साथ आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में भेजा है, तो फिर बाहर कैसे निकालेंगे उनको, बाहर निकालने के लिए क्या कोई अच्छा वकील करेंगे या फिर क्या रणनीति रहेगी आपकी, क्योंकि जनता के विश्वास की बात थी, वो जनता का विश्वास तो कहीं ना कहीं दिल्ली में खोया है आप लोगों ने जी, दिल्ली की जनता में हमने विश्वास नहीं खोया। देखिए, आपको पंजाब में और दिल्ली में लग रहा है क्योंकि हमने आपको वहां दोनों जगह से सुखड़ा साफ करके भेजा है, आपने भले ही सात सीटें जरूर जीती है दिल्ली में, तो आपने भले ही सात सीटें जीत ली हो, पंजाब में आपको हमने बिल्कुल घर का रास्ता दिखलाया है, एमसीडी के अंदर हमने घर का रास्ता दिखलाया है, विधानसभा में हमने आपको घर का रास्ता दिखलाया है, और रही बात जो एमपी चुनाव हुए, आपको पहले से प्रधानमंत्री ने हमारे मंत्रियों को जेल में डाला और ईडी की सीबीआई की रेड डाली जाती है और आज तक एक सबूत नहीं मिला, और जिनको आपने गवाह बनाया उन्हीं लोगों से आप चंदा लेते हो, ये सारा प्रूफ हो चुका है, हमें माननीय कोर्ट पर और यहाँ की कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। राधेश्याम जी एक सवाल ये पूछूंगा आपसे कि राजस्थान में भी काफी टाइम से आप लोग काम कर रहे हैं, राजस्थान में कोई मजबूत
फेस क्यों नहीं बना पाए आम आदमी पार्टी? और राजस्थान में जो चर्चाएं तो रही, राजस्थान में 200 में से 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, 150 पे लड़ेंगे, 200 पे लड़ेंगे, लेकिन कुछ करामात नहीं दिखा पाई आम आदमी पार्टी और बैकफुट पर आ गई। नरेंद्र, सवाल है, मुझे लगा कि बड़ा अच्छा सवाल है ये, तो मैं उस पे बहुत बड़ी नियत बताता हूँ आपको कि जब हमने दिल्ली जीती उसके बाद हमने पंजाब जीता और जैसे ही हम गुजरात के अंदर 42 लाख वोट लेकर राष्ट्रीय पार्टी बनते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होने लगता है और उसी दिन से लोगों ने आम आदमी पार्टी को अनाप शनाप पेश डालकर हमारे जो प्रमुख लीडर थे उनको जेल में डाल दिया गया। फिर भी इस देश के लोगों को अरविंद केजरीवाल की तो शिक्षा नीति और चिकित्सा नीति और उनका जो डायरेक्ट था वो पसंद था और आज भी भारत के अंदर आम आदमी पार्टी के जगह जगह आपको कार्यकर्ता मिलेंगे और ये वो दिन भी दूर नहीं होगा कि हम राजस्थान के अंदर भी खाता। कार्यकर्ताओं की घर वापसी जारी है राधेश्याम जी, कार्यकर्ताओं की घर वापसी जारी है और मैं आपको बताना चाहूँ देश भर में 11 करोड़ किसानों को पीएम किसान योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा फंड दिया था। आयुष्मान कार्ड से लगभग 55 करोड़ भारतीय लाभान्वित हुए हैं, 55 करोड़ भारत में सिर्फ 55 करोड़ लोग लेते हैं। निधि किसान सम्मान निधि सीधा किसानों के खाते में की बात करते हैं, देश के प्रधानमंत्री तो मुफ्त बिजली के लिए सूर्य का योजना बन लेके कभी राजीव गांधी ने उसके भारत भरने के लिए और जहाँ तक मैंने योजना का लाभ लेने की जो प्रक्रिया है वो इतनी पेचीदा है कि कोई आदमी ले नहीं पा रहा। आप सुनने वाली कर रहे हो आपकी योजना, अगर आपकी योजना अगर आपकी योजना अच्छी है तो देश के प्रधानमंत्री ने उनके नाम पर वोट क्यों नहीं मांगा? उन्होंने क्यों नहीं कहा कि अग्निवीर योजना बहुत अच्छी है उस पर वोट क्यों नहीं मांगा? उन्होंने वोट मिली तो वोट क्यों नहीं मांगा? उन्होंने किसान अच्छा पर वोट क्यों नहीं मांगा? उन्होंने भ्रष्टाचार के नाम पर वोट क्यों नहीं मांगा? उन्होंने अधिकारी अजीत कुमार के नाम पर वोट क्यों नहीं मांगा? देखिए जनता के हमारे प्रधान सेवक माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री ने उन्होंने जन जन की सेवा का जो कार्य है बहुत महत्वपूर्ण सवाल, इलेक्टोरल बॉन्ड काफी हल्ला मचाया था इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, लेकिन राधेश्याम जी आपसे पहले आपसे पूछूंगा, सबसे पहले आप लोगों ने बहुत हल्ला मचाया था, मीडिया में भी काफी आया था, सोशल मीडिया में काफी चला था इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा, लेकिन आप बैकफुट पर आ गए, शांत क्यों हो गए इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर? अडानी अंबानी का नाम चलाया जा रहा था, तमाम जो कंपनियों का बीफ कंपनियों के नाम भी चले थे कि बीजेपी ने खुद को इतना बड़ा जो धनाढ्य पार्टी, विश्व की सबसे ज्यादा धनाढ्य पार्टी इस तरह बनाया है जो इसमें विश्व का सबसे बड़ा स्कैम बताया, आप क्यों लोग बैकफुट पे आ गए? क्योंकि आपको भी तो इसी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए फंडिंग हुई थी, क्या ये वजह रही या फिर कोई और वजह रही, और क्या आप आगे बढ़ेंगे इस मुद्दे को लेकर? आप विजय जी, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर हम बिल्कुल पीछे नहीं आए और ना ही पीछे हटेंगे। माफ कीजिए, या तो आप सवाल दीजिए या फिर मैं दे देता हूँ। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड सही है तो आप उसके नाम पर वोट मांग लेते। आपको पता है कि आपके इलेक्टोरल बोर्ड और ये जो अनाथ नाम का जो आपने एक्सरसाइज से जो कानून लेके आए थे उसी का नतीजा है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही थी वो एनडीए गठबंधन का नाम ले रही है, जबकि देश के प्रधानमंत्री बार बार कह रहे थे मोदी की गारंटी, और आज मोदी की गारंटी कहाँ है बताइए? मेरा सवाल माफ कीजिए, मेरा सवाल राधेश्याम जी एक मिनट, बोर्ड के माध्यम से जवाब दे दिया है। राजीव चौधरी जी से कांग्रेस से सवाल, मैं गलती से आपका नाम ले गया, राजीव चौधरी जी आप दीजिए इस पे जवाब, आपके लिए ये क्यों आप लोग बैकफुट पे हैं? आप लोगों ने सबसे ज्यादा इस मुद्दे को उठाया था और इसकी जो पूरी खिचड़ी बनी थी तगड़ी वाली, और कहीं ना कहीं इससे खूब मतलब तमाम जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने वो सब एक लामबंद होकर सिर्फ और सिर्फ एक ही जो
बीजेपी के खिलाफ हो गए थे, नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो गए थे, अमित शाह के खिलाफ हो गए थे, अडानी अम्बानी और तमाम जो बड़ी बड़े जो देश के जो क्या बोले उनको कि वेल्थ क्रिएटर्स के पीछे पड़ गए थे। तो क्या स्टैंड रहेगा वो लोग? हाँ, अब क्या स्टैंड रहेगा आप लोगों का, क्योंकि आप शांत बैठ गए थे लोकसभा चुनाव में भी, शुरुआती दौर में तो आपने हल्ला मचाया था, लेकिन बाद में इसको मुद्दा नहीं बनाया। और चीजें महंगाई, बेरोजगारी, संविधान वाला मुद्दा, आरक्षण वाला मुद्दा, अग्निवीर योजना, ये तमाम मुद्दे रहे हैं आपके, तो इस पर जवाब जी। हम लोगों ने चुनाव में वही मुद्दे उठाए जो सीधे जनता से जुड़े हुए थे, और ये मुद्दे जनता से सीधे जुड़े हुए नहीं थे, इलेक्टोरल बोन वाले, ये पार्टियों से जुड़े हुए थे। और लेकिन आप विश्व का सबसे बड़ा इसको स्कैम घोषित कर रहे थे ना, बहुत बड़ा घोटाला है, तो फिर आप इस पर क्या अब क्या स्टैंड रहेगा, क्योंकि घोटाला तो हुआ है अगर आप दावा कर रहे हैं तो, और आपके लिए सुप्रीम कोर्ट ने माना है इसको। ये बात तो स्पष्ट अभी हो गई थी जब SBI अपने चंदा, जो लोगों ने चंदा दिया है उनकी लिस्ट आउट नहीं कर रहा था SBI, और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद भी मजबूरी में जब ये लिस्ट दी गई तो स्पष्ट हो रहा था कि कुछ ना कुछ तो उसमें गबन हुआ ही है, ये तो स्पष्ट हो रहा था। लेकिन जब चुनाव के अंदर पार्टी जब लड़ती है तो जनता से जुड़े मुद्दों को पहले आगे लेके आती है, बाकी ये मुद्दा भी आगे प्रभावी रूप से उठाते रहेंगे, लड़ाई जारी रहेगी। हमने संविधान के ऊपर लड़ाई करी, हमने आरक्षण की बात करी, हमने रोजगार की बात करी, महंगाई की बात करी, तो आम जनता जिन चीजों से प्रभावित होती है उन मुद्दों को तो पहले ही लिया जाएगा ना। बाकी इलेक्टोरल बोर्ड वाली जो बात है बिल्कुल सही है, 60 साल से कर रही है राजीव जी। शरद अग्रवाल जी, महंगाई की बात, महंगाई की का मुद्दा बड़ा मुद्दा है देश का। 2014 के अंदर महंगाई कभी अभिशाप हुआ करती थी और देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि बहुत ही महंगाई की मार रही है आदरणीय नरेंद्र मोदी। 400 रुपए के सिलेंडर को देश के प्रधानमंत्री ने 1100 रुपए तक पहुंचा दिया, 70 रुपए के पेट्रोल डीजल को 122 रुपए तक पहुंचा दिया। ऐसा की बात करूँ उसकी राधेश्याम जी, एक मिनट मैं पूछ लेता हूँ शरद जी से। शरद जी राधेश्याम जी, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, आप पड़ोसी देशों के हालात देखिए, आप पाकिस्तान में आटे का भाव पूछिए, हमारे देश में 80 करोड़ आप शरद जी बेटे, छोटा सा एक राजस्थान से भी, राजस्थान के बराबर, राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर देश है, उससे हम क्यों, भारत को तो उपमहाद्वीप कहा जाता है, बहुत बड़ा राष्ट्र है, पूरे विश्व पटल पर सबसे बड़ा नाम है भारत का, आप पाकिस्तान से बार बार पाकिस्तान से क्यों कंपेयर करते हैं उसको, पाकिस्तान से मुकाबला करने की बात करते हैं। 400 रुपए के सिलेंडर को 1100 रुपए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ शरद अग्रवाल जी, एक मिनट राजेश जी, एक मिनट शरद अग्रवाल जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि महंगाई, रोजगार और ये मुद्दा तो आप कह रहे हैं कि ये तो कई सालों से है, ठीक है, जब यूपीए गवर्नमेंट में रहा था ये मुद्दा निश्चित तौर पर सारा मीडिया एक लामबंद हो गया था, सारे जो मुद्दा थे देश का वो एक लामबंद हो गया, और उसी मतदाता ने कन्वर्ट हुआ, वो कई सालों से, कई वर्षों से कांग्रेस को वोट दे रहा था और वही कन्वर्ट होकर उसने एक मत बीजेपी को बड़ा मैंडेट दिया देश में, पहली बार बीजेपी बहुमत के साथ सरकार में आई। और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार में आई, सत्ता में आई, क्या आपने फिर उनको सुविधा के अनुसार नई सरकार के गठन के लिए फिर उन मुद्दों को भुला दिया? अब आपको दोबारा सरकार बनानी तो मुद्दे चेंज कर देंगे। आप ये देखिए, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडी की सरकार ने किया है। लगभग आप मानिए राम मंदिर के निर्माण की जो गति मिली, तो उनसे 25 करोड़ को लेके आ गई के बाद 80 करोड़ से ऊपर लोगों को तो फ्री राशन देने का दावा कर रहे हैं। बिल्कुल मिल रहा है। आप अपने घर पर कोई कर्मचारी होंगे, आप उनसे पूछिएगा। जब आप ये मानिए 2014 में हमारा सेंसेक्स 25,000 रुपए था और 2024 में 75,000 रुपए है, आप घोटाले की ये तो शरद जी, ये तो कहीं ना कहीं ये साइन है 80 करोड़ लोगों को 5 किलो जो अनाज दे रहे हैं आप, ये तो कहीं ना कहीं राधेश्याम जी, एक मिनट राधेश्याम जी, 80 करोड़ लोगों को अनाज देना, 5 किलो अनाज देना, तो ये साइन है कि देश में गरीबी लगातार बढ़ती जा रही है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में वो फेल्योर हो रखा है उसका, क्योंकि ये एक रिपोर्ट भी आई थी अभी 2 साल पहले, जो जो बाहर से जो फंडिंग होती है
जो विश्व बैंक के द्वारा जो फंडिंग होती है वो फंडिंग लगातार हो रही है, लेकिन उसका कोई लेखा जोखा किसी तरह का, गरीबी उन्मूलन का पैसा तो लिया गया लेकिन गरीबी उन्मूलन नहीं हुई, उसके अलावा तमाम टैक्सेशन की जो टैक्सेशन में इजाफा किया गया उसके बावजूद भी गरीबी नहीं हटी, गरीबी रेखा से नीचे लगातार लोग बढ़ रहे हैं। और ये जो आप कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देना, ये मनगढ़ंत डाटा हम लोग अपने मन में बना लेते हैं। नहीं, ये तो विश्व बैंक जारी कर रहा है भाई साहब, उनका पूर्ण रूप से हिसाब रखा जाता है। हमारा देश कभी भी विश्व बैंक के आगे जाकर हाथ नहीं फैलाता है, बल्कि 1900 तो हमारा अब तो सब जगह आपके अधिकारी बैठे हुए हैं था, उसे वापस 100 टन सोना हमारे देश में वापस लेने का कार्य तो मोदी की सरकार के सर हुआ। 100 टन सोना वापस देश आया है तो माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार के समय आया है। अच्छा, आधारभूत ढांचा है इशू लग रहा है उसको, आधारभूत ढांचे का ढांचा है बहुत इंपॉर्टेंट है, इंफ्रा का डेवलपमेंट होना चाहिए, विकास में देश अव्वल होना चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी रोजगार और आम आदमी से जुड़ी जो तकलीफें हैं उन पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगर आयुष्मान योजना की अगर बात करें तो आयुष्मान योजना को लेकर भी कई सवाल खड़े हुए हैं, और फिर सबसे बड़ा सवाल मैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में कर लूं कि चिरंजीवी योजना जो काफी रिलीफ दे रही थी लोगों से, मैंने भी पर्सनली लोगों से पूछा, उसमें काफी मैनिपुलेशन हो गया राजस्थान में और उसका कई दर्प लोगों के फेस पे, लोगों की जुबान पर आने लगा है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे शरद जी? देखिए, मैनिपुलेशन पूर्व की सरकार में हुआ था, आदरणीय भजनलाल जी की सरकार ने ये आते ही स्पष्ट किया था कि जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रकार से रोका नहीं जाएगा, और आदरणीय भजनलाल जी की जो सरकार है उसने आते ही जन कल्याणकारी योजनाओं को पूर्ण किया और जारी रखा। हाँ, में कुछ अमेंडमेंट किए गए, में जो बिलिंग का माध्यम था, जो पेमेंट आने जाने का माध्यम था, उसकी स्क्रूटनी की गई, और आप ये देखिए जीरो टोल्स की नीति पे आदरणीय भजनलाल जी की सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की सरकार हमारे राजस्थान में चल रही है। जो भी नशा तस्कर हैं, जो भी गैंगस्टर हैं, सबको सरकार ने लामबद्ध होकर स्टेट छोड़ने के आदेश दे दिए हैं और सब पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है, और में तो नशा तस्करों के घर तक तोड़े जा रहे हैं, जो उन्होंने संपत्ति अर्जित करी है नशा तस्करों ने, नशा बेच कर लोगों के घर तबाह कर उन सबको बुलडोजर के द्वारा तोड़ा जा रहा है। तो राजस्थान में भजनलाल सरकार जी की नीति स्पष्ट है कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है, और जितनी भी भर्तियां, माफी चाहूंगा मैं बीच में बोल रहा हूँ, विजय पूरी सांगानेर के अंदर पानी और बिजली के लिए कल ही धरना प्रदर्शन करके आए यहाँ के आम लोगों के साथ में, आज के अखबार में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, क्राइम पे लगाम लगी, क्राइम पहले से बढ़ गया है, यहाँ पे मर्डर हो रहे हैं, छेड़छाड़े हो रही, बच्चे पढ़ने वाली बच्चियां परेशान है, सारे पानी पीने का नहीं लोगों के पास में, रात को 2-2 बजे लाइटें गुल हो रही है, ये तो सांगानेर विधानसभा के हालात है, किसी को संभालने भाई रास्ता नहीं, कहां बात कर रही है, में हीट वेव का दौर चल रहा है राजस्थान में इस समय, हीट वेव का पूरे देश में हीट वेव का दौर चल रहा है, और हमें हमारे मुख्यमंत्री पहली बार गर्मी पड़ी है राजस्थान में, ये होना चाहिए कि वो 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम जिसके द्वारा कोई भी बिजली की या पानी की समस्या हो हम हमारी शिकायत वहां कर सकते हैं। अच्छा शरद जी, तहसील लेवल पर शरद जी दो बार क्लीन स्वीप किया आपने, एक बार तो गठबंधन के साथ, लेकिन वो क्लीन स्वीप ही मानूंगा मैं भी आपके साथ, आरएलपी के साथ था, दूसरी बार भी 25 की 25 सीटें, इस बार कैसे क्या हो गया, 11 सीटें खो दी आपने, इंडिया गठबंधन को दे दी, 8 कांग्रेस को, 3 सहयोगी दलों को, क्या वजह है इसकी? क्या आपने आप ये मानिए कड़ा मुकाबला था, हो सकता है कहीं ना कहीं संगठन में या पार्टी के चयन में कमी रही हो, लेकिन हमारे नहीं, भजनलाल जी को सीएम बनाने से नाखुश तो नहीं है लोग, वसुंधरा राजे को साइडलाइन करने से नाराजगी तो नहीं है? ऐसा विचार आप मन में भी ना लाएं, भजनलाल जी जन जन के लोकप्रिय नेता हैं, संगठन से चुने गए नेता हैं, मुझे भी उनके साथ कार्य करने का अवसर मिला है पूर्व में, नहीं अच्छे आदमी है, लेकिन लोगों में मतदाताओं का कैसे रुख चेंज हो गया, कार्यकर्ताओं में असंतोष था, इस तरह की बातें इलेक्शन से पहले चली थी, कई जगह
जो टिकट वितरण को लेकर भी चल रहा था, नाराजगी थी आपके जो कैंडिडेट्स में भी, और भीतरघात की भी बातें चल रही थी, उन बातों पर ध्यान नहीं दिया कहीं ना कहीं संगठन ने? सरकार के प्रति कोई असंतोष नहीं था, सरकार के प्रति कोई असंतोष नहीं था। हाँ, समय समय पर, क्योंकि चुनाव के समय कई लोग चाहवान होते हैं टिकट के, पार्टी ने जिसे चुनना है, जिसको जो पार्टी के पैरामीटर्स में सेट बैठता है, पार्टी उसका चयन करती है, और इसके लिए बड़ी लोकतांत्रिक एक हमारी प्रक्रिया है जिसका कि भारतीय जनता पार्टी पालन करती है। तो किन्हीं कारणों से जो कैंडिडेट अभी जीत कर आए हैं या हमारे कैंडिडेट नहीं जीत पाए हैं, उसका रिव्यू हमारा संगठन करेगा, और आने वाले समय में आप देखिएगा 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। राजीव जी, 25 की 25 सीटें जीतने की बात का दावा कर रहे हैं, आपकी क्या है? आपने अभी संगठन गठबंधन के साथ 11 जीती, माफ कीजिए, अब आपका कोई प्लान है क्या 25 की 25 जीतने का? और है तो क्या प्लान है, किस तरह की रणनीति है आपकी? और अब जो 8 से 11 सीटें जो आपने जीती हैं, इन पर किस तरह काम करेंगे, किस तरह जनता की आवाज को संसद तक लेके जाएंगे, लोकसभा तक लेके जाएंगे, दिल्ली तक पहुंचाएंगे, राजस्थान? राजस्थान की 25 सीटें जीतने का हम अहंकार में डूबे हुए नहीं है, 25 की 25 सीटें जीतने का दावा हम नहीं करते हैं, लेकिन हम अगली बार से बेहतर प्रदर्शन अगली बार जरूर करेंगे और राजस्थान की जनता के दिलों में और गहरी जगह बनाएंगे, और जो राजस्थान की जनता की आवाज है उसको दिल्ली में संसद में जरूर उठाएंगे प्रभावी तरीके से, और जो भी पीड़ाएं हैं राजस्थान भोग रहा है कई सालों से, पिछले 10 सालों से, उनको हम मजबूती से वहां पर निष्पादन करने की प्रक्रिया अपनाएंगे। अच्छा, टूट फूट की और अंदर अंदरूनी सियासत की चर्चा तो कांग्रेस में भी रही है राजीव जी, आप किस, पहला सवाल तो ये है कि जो ये जो 8 से 11 सीटें जो आपने जीती, 8 कांग्रेस की 3 गठबंधन के साथ, इन 11 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन हुआ नो डाउट, लेकिन इस प्रदर्शन के लिए किसको सिरमौर मानते, किसको इसका जो आप है ना पूरा का पूरा श्रेय देना चाहेंगे, सचिन पायलट को, गहलोत को, डोटासरा को, या तमाम जो नेता हैं बड़े उनको? फिर दूसरा सवाल पूछूंगा। सबसे पहले तो मैं राजस्थान को इस चीज का श्रेय देना चाहूंगा कि उन लोगों ने दिल से कांग्रेस दी है, और उसके बाद में शीर्ष नेतृत्व को मैं इस चीज का सिंबल बनाना चाहूंगा। बाकी सारे नेता एकजुट रहे राजस्थान के, सबने अपने दिल से कोशिश की, सबने अपने पांव जमाए रखे और पार्टी को मजबूत किया है। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान ये चीज देखने को मिली थी, जिस तरह सचिन पायलट जालौर सिरोही नहीं जा रहे थे प्रचार करने, इधर जयपुर ग्रामीण में अशोक गहलोत नहीं आए, सिर्फ इस बात को लेकर कि वो इस खेमे का है, वो इस खेमे का लीडर है, जीत तो गए, अब एकजुटता किस तरह दिखाई जाएगी, ये बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरी बात, सबसे बड़ा सवाल है प्रदेश अध्यक्ष की सीट को लेकर, गोविंद सिंह डोटासरा अच्छा काम कर रहे हैं, उसके बाद में भी कहीं ना कहीं अंतर्कलह जैसी स्थिति देखने को मिल रही है, कई नए नाम भी सुनने को मिल रहे हैं, और जो कि प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, क्यों बनाया जाए? गोविंद सिंह डोटासरा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, और अगर बनाया जाए तो सचिन पायलट को अगर यहाँ फेस बनाया जाता है सीएम का भविष्य में, तो अशोक गहलोत भी कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि ना हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं, तो इस तरह स्पष्ट कहीं ना कहीं किसी युवा लीडर को आगे बढ़ाने की, युवा लीडर को आगे बढ़ाने पर क्यों नहीं कांग्रेस और अभी इन चर्चाओं जी अभी इन चर्चाओं पे बात करना उचित नहीं है, क्योंकि मैं भी पार्टी के संगठन का एक कार्यकर्ता हूं, ऐसी कोई चर्चा अभी तक उठी नहीं है, ये तो मैं नहीं, जो सियासी संकट चला था कांग्रेस में, उसका कहीं ना कहीं दोबारा से एक बार लोकसभा चुनाव में नो डाउट बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, और इस दौरान आप लोग एकजुट भी दिखे, और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर जो संशय था कि ये तो आपस में लड़ते रहेंगे और प्रदर्शन अच्छा नहीं कर पाएंगे, चुनाव सर पर आ गए थे, लेकिन एकजुटता दिखाई, किसी भी तरह का कोई ऐसा बयान उस दौरान तमाम नेताओं की तरफ से, खासतौर से अशोक गहलोत और सचिन पायलट की अदावत को कोई नहीं भूल पाया है, लंबी अदावत चली है, एक दूसरे पर क्या क्या छींटाकशी हुई है ये सब जानते हैं, तमाम बयानबाजी, लेकिन उन बयानबाजी से परे बहुत अच्छे तरीके से लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मनमुटाव जैसी स्थिति देखने को मिली। अब प्रदेश अध्यक्ष की सीट को लेकर कहीं ना कहीं सवाल कयास शुरू हो चुके हैं, उसको बात कर, इस बात को मेरे सवाल कि जब हाशिए पर कांग्रेस आ गई थी
44 सीटों पर आ गई थी, अब ये 99 का जो 100 के आसपास फिगर अचीव किया है गठबंधन के साथ, 232 सीटें आई है पूरे देश में, तो क्यों ना युवाओं को आगे किया जाए। राजीव जी देखिए, लाखन सिंह जी का स्वागत है, एक प्रतिक्रिया एक क्रिया होती है जी जी, राजीव अंदरूनी एक क्रिया होती है प्रदेश अध्यक्ष बदलने की बनाने की, लेकिन राजस्थान में अभी तक ऐसी कोई चर्चा नहीं है। तो तासा जी ने बहुत बेहतर काम किया है और शेखावटी में तो भाजपा को क्लीन स्वीप कर दिया, इससे कोई और बेहतर प्रदर्शन की अपन उम्मीद कर भी नहीं सकते रोटासरा जी से। और बात है पायलट साहब की, तो पायलट साहब अपने आप में बहुत बड़े विशाल नेता हैं और उनका भी बहुत बड़ा यहाँ जनसमूह उनका फॉलोअर है, और उन्होंने भी अपने जहां जहां पर उन्होंने प्रचार किया वहां पर सीटें निकाल के दिखाई है, कुछ और सीटें भी आ सकती थी, थोड़ा अच्छा प्रदर्शन होता तो आपका, कुछ और सीटें भी आ सकती थी आपका अच्छा, पर थोड़ा और अच्छा प्रदर्शन होता तो ऐसी संभावना है, क्योंकि जोधपुर को लेकर भी चल रहा था, जोधपुर में भी बिल्कुल 17-18 सीटों की हमें उम्मीद है, लेकिन फिर भी हम संतुष्ट हैं, अगली बार और बेहतर करेंगे। कैंडिडेट मजबूत थे इनके, नो डाउट, कहीं ना कहीं वो कनेक्ट नहीं कर पाए, या फिर जो ऐसी बातें सुनने में आई जोधपुर के जो पत्रकार, मेरी तो पत्रकारों से बात हुई जोधपुर के, कि थोड़ा डिल हो गया जो इनकी तरफ से कैंडिडेट डिक्लेयर करने का, या फिर जो दूसरी वजह ये बताई कि जो एक विश्वास जो कायम किया हुआ था कुछ चीज़ों को लेकर, उसकी वजह से गजेंद्र सिंह शेखावत लास्ट में जीत गए। लाखन सिंह जी आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, आपके तो नेता जेल में ही है, मैं मेरे पास और इसके अलावा कोई नहीं, बस आगे इन भविष्य राजस्थान के लिए क्या रणनीति रहेगी, दिल्ली में चुनाव होंगे, दिल्ली को लेकर क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि आप लगातार आरोप लगाते रहे नरेंद्र मोदी की सरकार पर, और ये आरोप लगाते रहे कि वे इसलिए जेल में डाल रहे हैं आरोप लगाकर आप लोग, आप पार्टी के नेताओं को, ताकि वे ढंग से अपना चुनाव प्रचार नहीं कर प्रसार नहीं कर सकें, अपनी योजनाओं को लागू नहीं कर पा सकें, और साथ ही जो जनकल्याणकारी योजनाएं आपने लागू की है उनका लाभ जनता को नहीं मिले, कहीं ना कहीं अब वो इस बात से डरे हुए हैं। तो अब आपकी क्या रणनीति रहेगी, और राजस्थान में आपका फेस अभी तक कोई बन नहीं पाया अभी तक, यही सवाल मैंने आपसे पहले राधेश्याम जी थे उनसे पूछा था जी, बताइए। देखिए राजस्थान में जो 11 सीटें आई हैं इंडिया गठबंधन की, उसमें भी आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा सहयोग है। अगर आम आदमी पार्टी राजस्थान में लोकसभा चुनाव लड़ती तो कोई 10,000 कोई 20,000 कोई 50,000 वोट लेता तो ये 11 सीट आती वो भी नहीं आती। तो ये बैक में जो है राजस्थान में जो अचीवमेंट हुआ है पार्लियामेंट में, उसमें आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा हाथ है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा, जी आप डोटासरा जी को, अशोक गहलोत जी को सोच रहे थे, अब एक और नए दावेदार आ गए हैं 11 सीटों में, अब आप देखिए कब तक लंबा चलेगा ये खेल। आने दीजिए, सबको अधिकार है लोकतंत्र में। देखिए आम आदमी पार्टी ने साबित किया है दिल्ली में, पंजाब को लेकर भी सब ऐसे ही सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन साबित किया गुजरात में भी अच्छा कम्पीट किया है। नरेंद्र मोदी जी को शिरोमणि माना है, साथ ही साथ सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी को दी। देखिए मेरा पूरा जाने दीजिए, विधानसभा चुनाव के लिए बोल रहा था मैं। हाँ, विधानसभा चुनाव जो दिल्ली का है, हमारा इंडिया गठबंधन पार्लियामेंट के चुनाव तक ही है, दिल्ली का चुनाव हम स्वयं लड़ेंगे क्योंकि दिल्ली में हमारी सरकार है, और फिर हम प्रचंड बहुमत के साथ केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। अब राजस्थान का हमारा विजन आम आदमी पार्टी का, अगले साल पंचायत के चुनाव होने वाले ग्रामीण क्षेत्र के, उसमें हम लोग सरपंच, ग्राम पंचायत, जिला परिषद सारे चुनाव लड़ेंगे, और आम आदमी पार्टी अब प्रारंभ में लखन जी आपको स्पष्ट करूंगा कि पार्टी विद विजन, कोई देश में है तो भारतीय जनता पार्टी है, और आम आदमी पार्टी की सरकार देश से आप चलाने की कोशिश कर रही है, ये चारों खाने चित होगी। अब मेरी बात प्रकार से भ्रष्टाचार दिल्ली में हुआ है, मेरी बात सुनिए, जितना भ्रष्टाचार मोदी ने किया है, कोविड में लोगों को मारा है, नशे में मारा है, मोदी ने
फर्जी कल बॉन्ड किए मोदी है क्या? मोदी को शर्म आनी चाहिए, पूरी पार्टी जीत कर दी जाए और शपथ लेने के लिए चल दिया। मैंने पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा है, बहुत जरूरी है, और इसकी मैंने पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा है, बीजेपी से लड़ा है, जनता दल से लड़ा है, चुनाव लड़ चुका हूँ पार्लियामेंट का। लखन सिंह जी, शरद जी एक मिनट रुकिए, शरद जी प्लीज। लखन सिंह जी, आम आदमी पार्टी को तो अब उनका जो आवास है वो कार्यालय का वो भी खाली करने का, जो उसको खाली करने का आदेश दे दिए दिल्ली हाईकोर्ट ने, कैसे करेंगे उसमें कितनी फजीहत होगी? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हमको जमीन दी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट ने अभी आदेश किए आम आदमी पार्टी के। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, छोटी मोटी पार्टी नहीं है, जीता तो लगी रहती है, जीता तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने आप केजरीवाल जी से और आम आदमी पार्टी जी से मेरा सवाल है कि आदरणीय अन्ना हजारे जी कहाँ हैं, उनके आदर्शों का क्या हुआ? अन्ना हजारे जी तो बैग में बीजेपी के साथ थे, पहले भी साथ थे, आज भी साथ है। उन्होंने तो ये कहा था पार्टी नहीं बननी चाहिए, उनके साथ तब आपने क्या सोचकर उनको सिरोमोर बनाया था? ऐसा है, पहले मेरे को बात कहने दीजिए, जब आप बोलिए तो मेरा निवेदन ये है कि क्या होने वाला है अपनी राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है, वो दिखता है वो होता नहीं है। राजनीति का मतलब राज मतलब गुप्त। आप शपथ ले सकते हो 9 तारीख को, अपना जो है बहुमत दिखा सकते हो, लेकिन होना क्या है? जो अटल बिहारी वाजपेयी का हुआ था, जब फ्लोर टेस्ट हुआ था तो एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार चली गई थी, वो अब हो रहा है। लड्डू पेट में लड्डू मत भूको, अटल बिहारी वाजपेयी जैसा होना है। जैसे फ्लोर टेस्ट होगा, जनता ने आपके खिलाफ वोट दिया है, आपने 26 सीटें मायावती से मिलकर यूपी में खराब कर दी, 35 सीटें आपने मतगणना में अमित शाह ने फोन कर करके कलेक्टर को वहां पर आपने बड़ी मार्जिन दरवाजी 84 सीटें सीटें चेंज नहीं होती। आपने ईवीएम का डिंडोरा पीटना था, जो वो क्या हुआ कि आप ईवीएम की बात नहीं कर रहे? भारत देश और की सबसे बड़ा हमारी देश है। अरे आपकी तो 240 सीटें है, हमारे 315 सीट बन रही है हमारी कायदे से, और आपकी 240 सरकार बना रहे हैं। आपका अपना आपका भगत नहीं है, और ये भी बता दो नीतीश बाबू, चंद्रबाबू नायडू और सुनिए, ये हमारे जनता परिवार के लोग हैं, चंद्रबाबू नायडू, रामराज पासवान, ये हमारे जनता दल के लोग हैं, ये हमारे परिवार के लोग हैं, ये हमारे परिवार का मामला है। आपने मजबूरी में इनका साथ दिया, वो अब हमारे पास वापस आ रहे हैं, और फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, निश्चय बनेगी। जनता ने बीजेपी को निकाल दिया है, बीजेपी को निकाल दिया है, आपकी झूठी सरकार, मोदी झूठ के नाम है क्या? चंदा खा गए, लाखों का पैसा खा गए, आपने छोड़ा क्या? आपने जो भी जिसको भी साथ मिलाया है उसका छोड़ साथ कर दिया, आपने चंद्रबाबू नायडू को धोखा दिया, आपने जो है नीतीश को धोखा दिया, रामराज पासवान को धोखा दिया, आपने जो है सिंधे, आपने नीतीश जी तो इनके साथ हो लिए दोबारा से, रामविलास पासवान भी साथ में इनके, बना दिया मंत्री और चिराग पासवान छोड़ दिया, अब मजबूर हुई। अरे भाई जनता ने काम हमारे परिवार का राजनीति भावनाओं से नहीं होती है, ये हमारे साथ रहेंगे, ये जनता के लोग हैं, आपके लोग नहीं है, ये बीजेपी के लोग नहीं है। चलिए राजू हमारा है, चलिए 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 शरद जी एक छोटा सवाल आपसे, फिर उसके बाद में राजीव जी से पूछूंगा। सरकार जो शरद जी, लखन सिंह जी एक मिनट, छोटा सवाल, वसुंधरा राजे को लेकर फिर से सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। वसुंधरा राजे सिंधिया शांति से बैठी हुई थी, उन्होंने कोई इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, बस अपने बेटे दुष्यंत सिंह के इलेक्शन को लड़ा। भविष्य मतलब ऐसा पहली बार हुआ, पहले कभी नहीं हुआ फास्ट में,
तमाम जो लोकसभा हो, विधानसभा हो, हर क्षेत्र तक के जो चुनाव होते थे वहां पर वसुंधरा राजे की मौजूदगी होती थी, उनका हेलीकॉप्टर ऐसे उड़ता था सब जानते हैं। इस बार वसुंधरा राजे को साइड लाइन आपने नहीं किया। आदरणीय वसुंधरा जी भारतीय जनता पार्टी की सम्माननीय नेता हैं, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में राजस्थान में पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती रही है और उनके नेतृत्व में राजस्थान ने नए आयाम भी छुए हैं। राजस्थान में जो आज विकास की लहर, जो विकास की बुनियाद है, आदरणीय वसुंधरा राजे जी के समय में उसकी नींव रखी गई थी। लेकिन मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, यहाँ सभी फैसले सभी के एक समूह में एक लोकतंत्र के हिसाब से लिए जाते हैं। तो उनको क्या कोई नई जिम्मेदारी? राजे जी से समय समय पर संगठन ने विचार विमर्श कर कर ही राजस्थान के फैसले लिए हैं। मतलब अपनी मर्जी से वो बैठी हैं अभी घर पे वसुंधरा जी? देखिए, ये स्पष्ट कह देना कि आप किसी चुनाव में हिस्सा नहीं ले रहे, उनकी मौजूदगी आपको कहीं नहीं दिखी, हो सकता है कि चुनाव के बाद उनका थोड़ा कोई और कार्यक्रम हो, वो कहीं व्यस्त हो। राजीव जी, इसी सवाल पर आप क्या कहना चाहेंगे? इनकी बात से संतुष्ट है आप? वसुंधरा राजे को लेकर कांग्रेस ने काफी इतना ही कहना चाहूंगा कि कहते हैं पार्टी की एक प्रक्रिया होती है, तभी वसुंधरा जी के हाथ में पर्ची आ जाती है कि मुख्यमंत्री का नाम। मैं इतना कहना चाहूंगा कि तभी वसुंधरा जी के हाथ में पर्ची आती है दिल्ली से और मुख्यमंत्री का नाम उन्हें मजबूरी में घोषणा करना पड़ती है। ये पर्ची का आना बिना विधायकों की राय मशवरे के उनके ऊपर एक नया मुख्यमंत्री थोप दिया जाता है। लोकतंत्र जिंदा है, लोकतंत्र जिंदा जब होता है जब विधायकों का यहाँ पे फ्लोर टेस्ट होता है, विधायक दल के नेता के पक्ष में विधायक लोग हाथ खड़ा करके बोलते कि हमें मुख्यमंत्री को कैसा चाहिए, कौन चाहिए, ना कि एक पर्ची के द्वारा डिसाइड किया जाता कि मुख्यमंत्री कौन होगा। देखिए, ये सिर्फ वो मीम्स हैं जो आप देखकर या मैं देखकर बातें करते हैं। पार्टी पूर्ण रूप से मीम्स देख के आप बात करते हैं शरद जी, मैं मीम्स देख के बात नहीं करता। मीम्स देख के आपने सोटन वाली बात अभी करी थी, वो भी मीम्स देख के बात करी थी। सोटन सोना 2009 में मनमोहन जी के टाइम पे आ चुका था देश में, आपने व्हाट्सएप जान अपना पूरा भरोसा दिया पे छोड़ा नहीं गया। क्या कारण है राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद इतने सालों तक, क्या कारण है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद इतने सालों तक कांग्रेस पार्टी छोड़ नहीं पाई, क्या कारण है? और कौन से राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर रहे हैं बताइए, स्पष्ट कीजिए ना, कौन से राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर रहे हैं आप, नाम लेके बताइए। आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन रही सबसे लंबे समय? आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष चेंज ही नहीं हो पाई। कब चेंज नहीं हो पाई? अभी भी हमारे चुनाव की प्रक्रिया के दौरान खड़के साहब बने, आपके नड्डा जी के जैसे नहीं है कि थोप दिया गया हो। अब आए ना जी, उससे पहले तो आपके चुनाव में कोई खड़ा ही नहीं होता था उनके सामने। अच्छा, आपने देखा होगा जाके खड़े नहीं होते, कैसी बात कर रहे हो आप? बिल्कुल चुनाव प्रक्रिया से खड़के साहब बने हैं आप। नड्डा जी की बात कीजिए ना कि वो किस तरह से थोपे गए, क्या राय लिखी थी आपकी पार्टी के अंदर बैठ के, चर्चा हुई थी कहीं पे, धरातल पे बात कीजिए। हमारे ये मीम्स वाली बातें आप करते, हम लोग नहीं करते हैं। संसदीय बोर्ड द्वारा ही हमारे यहाँ पर फैसले लिए जाते हैं राजीव जी। भारतीय जनता शरद जी पार्टी शरद जी एक बहुत बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के बैठते हैं जी। शरद जी, एक बहुत बड़ी चुनौती है आपके सामने कि अब ये गठबंधन की सरकार तो आप बनाने जा रहे हैं, हम ही भी वर्दी नीतीश कुमार ने पैर भी छू लिए हैं नरेंद्र मोदी जी के, और चंद्रबाबू नायडू ने भी उनकी नेतृत्व स्वीकार लिया। लेकिन अब सबसे बड़ी है जो पोर्टफोलियो, उस पर जो नजर है, और इससे कोई गुरेज नहीं किया जा सकता कि कोई भी राजनीतिक दल है वो अपना पोर्टफोलियो, अपने जो सांसद है उनका मजबूत रखना चाहेगा। CCS आप जानते हो उसको, CCS एक जो आपकी एक ब्रांच है और उसके जो मेंबर्स हैं वो चार मंत्रालय आते हैं, उसमें आपका रक्षा मंत्रालय आता है, गृह मंत्रालय आता है, वित्त मंत्रालय आता है, विदेश मंत्रालय आता है। इन चारों को तो आप छोड़ने को रेडी नहीं हो, उसके अलावा भी कुछ और भी इम्पोर्टेंट विभाग है उनको भी छोड़ने को रेडी नहीं हो, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं ये जो आगे चुनौती नहीं आए कहीं सामने कि जो स्पीकर के पद की मांग की जा रही है इस तरह सुनने आया चंद्रबाबू नायडू की तरफ से। देखिए, नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ये स्पष्ट कर चुकी है पहले कि सबका साथ
सबका विश्वास और सबका विकास, इसमें विश्वास रखने वाली सरकार है। और विभागों के बंटवारे की जो बात है, विभाग फिक्स है, विभाग हमारे को पता है भी कौन कौन से हैं, लेकिन जो स्पष्टता है वो ये कि राष्ट्र निर्माण में किसका क्या योगदान रहेगा, किस प्रकार से किस राजनीतिक दल के पास उस पोस्ट के लिए, उस मंत्रालय के लिए एक्सपर्ट व्यक्ति है जो कठिन से कठिन समय में देश को जो ऊपर लेके जाने वाले फैसले हैं उन पे फैसला ले सके। ऐसे फैसले लेने वाले जो भी व्यक्ति होंगे उनका चयन निश्चित रूप से एनडीए सरकार द्वारा किया जाएगा। और विभागों का जो बंटवारा है वो मैं पुनः आपको वही दोबारा बात कहूंगा कि लोकतांत्रिक तरीके से ही जिस जिस पे मुद्दों पे सहमति बनेगी भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार आम जन के आगे लेके आएगी। और सबका मोटो पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। राजीव जी, कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया है गठबंधन के साथ उससे संतुष्ट नजर आ रही है। कहते 70 साल तक तो कांग्रेस ही रही थी, लेकिन फिर इतने में क्यों मान गए, इतने में ही खुश हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने आज जो एनडीए की बैठक के दौरान भी कहा कि ये इनकी खुशफहमी है, खुश रहने दीजिए इनको, ये ऐसे ही खुश रहेंगे, तो कहीं ना कहीं एक मजाक से उड़ाने की कोशिश की थी। दूसरा ये कि जो आप फिगर आपने अचीव किया है, इसके बाद में आगे की क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि तमाम जो स्टेट्स तो आप खोते जा रहे हैं, इन लोकसभा चुनावों के साथ ही जो अरुणाचल प्रदेश और उसके साथ ही जो ओडिशा में जो चुनाव हुए वहां पर क्लीन स्वीप कर गई, क्लीन स्वीप नहीं माफ कीजिए, मतलब अच्छे मैंडेट के साथ बीजेपी जीती है, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं इतना ही कहता हूं कि अब भविष्य में जो चुनाव होने जा रहे हैं वहां कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता दुगने जोर से काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी को अच्छा मैंडेट मिलेगा। और हाँ, कांग्रेस को हमेशा कुछ सालों से खतरा होता है, भाजपा ऐसी नीति पे चलती है खरीद फरोख्त की, तो आप देखिएगा कि कई राज्यों में कांग्रेस की जहाँ सरकार थी वहाँ भाजपा ने खरीद फरोख्त करके कांग्रेस सरकार को गिराने का काम किया है, जो एक लोकतांत्रिक प्रहार है। तो अब की बार हम मजबूती से काम करेंगे सांसदों के लिए भी और विधायकों के लिए भी, और कांग्रेस का पर्चा फिर से फैलाएंगे। जी लाखन सिंह जी से पूछना चाहूंगा, लाखन सिंह जी आपकी क्या रणनीति रहेगी आने वाले जो चुनावों में, और विपक्ष में बैठकर किस तरह भूमिका निभाएंगे, क्योंकि पहले तो सांसद फिर भी ज्यादा थे, अब सांसद आपके कम हो चुके हैं, 3 सांसद हैं आम आदमी पार्टी के इस बार, काफी मतलब अच्छा कम्पीट करते थे आप लोग वहां पर, हंगामा अच्छा खड़ा करते थे, अब किस तरह हंगामा कर पाएंगे, 3 संख्या बल में बहुत कम रह गए इस बार, देखिए जंगल में एक ही शेर काफी होता है। हमारे पास संजय सिंह जी ऐसे सांसद हैं जो कि हमारे 100 के बराबर अकेले विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और सरकार को घेरते हैं। अब सवाल आया कि जो विभागों का बंटवारा होना है, मंत्रिमंडल का बंटवारा होना है, उसमें जो है कपड़ा फार युद्ध होना है। अगर बंटवारे में मनचाया विभाग नहीं मिला तो एक दूसरे को कपड़ा फाड़ेंगे। अभी देखते जाइए क्या होने वाला है, 9 तारीख बहुत दूर है, 9 मिनट में महायुद्ध होता है और विभागों के बंटवारे में ही एक दूसरे खींचतान टांग खिंचाई होनी है, ये देखते जाइए। श्रीमान जी इतना ही कहूंगा कि पहले मोदी जी कहते थे मोदी जी की गारंटी पहले कहते थे, अब मोदी जी के खुद को नहीं मालूम है कि मेरी गारंटी कितने दिन तक रहेगी, मैं कितने दिन तक चलूंगा, मैं बैसाखी लगी कितने दिन तक सिक्योर रहूंगा। मोदी की गारंटी खत्म हो चुकी है, मोदी की गारंटी खत्म हो चुकी है। अरे देखिए एनडीए वाले हमारे पास आ रहे हैं, हमारी बात हो चुकी है नीतीश से और नायडू से, चिराग पासवान से, ये भीतरी बात है, राजनीति है, अंदर की बात हो गई है। शरद जी आपको अटल बिहारी नीतीश जी ने, चंद्रबाबू नायडू ने बाहर से समय इतिहास उठाना पड़ेगा, अटल लाखन सिंह जी इतिहास उठाना पड़ेगा आपको, नीतीश जी चंद्रबाबू जी हमारे पुराने सहयोगी हैं। लाखन जी शरद जी
के पुरानी सहयोगी संगठन है शरद जी, शरद जी दोनों ही जो जो दोनों ही जो नेता हैं जो बड़ी चुनौती बनकर आए हैं और जिनसे कहीं ना कहीं पीएम मोदी अब सरकार आगे बढ़ाने वाले हैं, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, दोनों ही नेताओं को दोनों ही नेताओं को पहले से कई लंबे अरसे से मांग रही है विशेष राज्य का दर्जा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा, और जो चर्चा चली है प्राथमिक स्तर पर उसमें भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात कही है। बड़ी चुनौती है दो राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले बिहार की बात चल रही थी लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने भी मांग की है क्योंकि तेलंगाना अलग होने के बाद में वहां स्थितियां थोड़ी सी ज्यादा विकट है आंध्र प्रदेश में जी, तो किस तरह मैनेज करें? आप ये मान के रखिए कि अगर ऐसी जरूरत एनडीए सरकार समझेगी, मतलब कोई शुरुआती स्तर पर कोई बड़े पैकेज की घोषणा करेंगे, विशेष राज्य के दर्जे की घोषणा करेंगे सरकार के गठन के साथ ही, क्या लगता है आपको? बाकी राज्यों को क्या होगा? इनको इनको दर्जा दे दोगे दो राज्यों को, बाकी हिंदुस्तान के और राज्यों में क्या होगा? उनका शोषण होगा, वो उनके खिलाफ हो जाएंगे, पूरा भारत छिन्न भिन्न कर देंगे ये लोग। या तो सबको दर्जा दो, एक समान समझो, अखंड हिंदुस्तान हमारा भारत की सोच है, भारतीय जनता पार्टी की, अखंड भारत की, अखंड भारत की, अखंड भारत, अखंड भारत दिया, तोड़ कर दिया, अखंड भारत बनाकर तो मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बात करते हैं। पूरे दुनिया को अगर एक परिवार मानता है तो वो हर हिंदुस्तानी 140 करोड़ जनता मानती है। आप किसी को व्यक्तिगत रूप से आरोप प्रत्यारोप तो कर सकते हैं लेकिन आपके घर पर बैठकर भी जब चर्चा करेंगे तो आपको स्पष्ट होगा कि इस नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 2014 से लेकर अब तक हमारे घर परिवार कितने सुरक्षित हैं। शरद जी आपसे और राजीव चौधरी जी से, दोनों से एक ही सवाल है, पहले आपसे जवाब लूंगा फिर राजीव चौधरी जी जवाब देंगे आपका जवाब पूरा होने के बाद में। एक नई खबर यह है, बड़ी खबर है कि जो ईडी वाली मिनिस्ट्री है उसको लेकर बीजेपी, जेडीयू और टीडीपी तीनों दलों में खींचतान की स्थिति की खबर आ रही है। ईडी को सब हर कोई लेना चाह रहा है कि ईडी के जरिए कहीं ना कहीं अस्त्र बनाकर खेलने की बात आ रही है कि ईडी को अस्त्र बनाकर कहीं उनके जो नेताओं को, सांसदों को फिर वश में करने की कोशिश की जाए, जेल में डालने की आरोप प्रत्यारोप, क्योंकि ऐसा हुआ नीतीश कुमार के साथ भी हुआ है और चंद्रबाबू नायडू के साथ और सबने देखा है। तो क्या लगता है आपको, ईडी को सौंप दिया जाएगा? नहीं, ये देखिए जो राजनीति के साथ ईडी सीबीआई को जोड़ना ये उचित नहीं है। ये एक स्वतंत्र बोर्ड हैं, अपनी जांच कमेटियां हैं, समय समय पर उनके सोर्स क्या है ये देखना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा सोर्स कैसा है। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि एनडीए की सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हर डिपार्टमेंट में पूर्ण रूप से हक रहता है, सब फैसले कंबाइंड रूप से लिए जाते हैं, ईडी की कोई स्पेसिफिक मिनिस्ट्री नहीं होती। ये थोड़ा मिसलीडिंग है, ये स्पष्ट भी राजनीति के साथ सीबीआई ईडी को जोड़ना उचित नहीं है। चलिए, नई सरकार का गठन होने जा रहा है, लोकतंत्र में सभी दलों का स्वागत है। अब 3.0 मोदी सरकार का कार्यकाल, तीसरा कार्यकाल मोदी जी का शुरू हो जाएगा और जहां विपक्ष को उम्मीदें हैं बहुत सारी, वहीं उम्मीदें हैं आम जनता को, आम आवाम को, कि अब और भी बेहतर तरीके से विकास होगा, और भी खूबसूरत देश की नई तस्वीर सामने आएगी और अमन चैन कायम होगा, और कहीं ना कहीं जो राजनीतिक शुचिता जो है उसकी कहीं ना कहीं कमी है, वो जो लैकुना है उसको भरा जाएगा। क्योंकि राजनीतिक दलों में अक्सर जो हमारे जो लोकतांत्रिक जो वैल्यूज़ हैं, लोकतांत्रिक मूल्य हैं, वो हमको देखने के मिले हैं,
और खास तौर से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो जो जब से हमारे संविधान की स्थापना हुई है, जब से लोकतंत्र का की स्थापना हुई है, तब से अब तक जो तमाम जो राजनीतिक दल है वो भले ही तमाम मंचों पर एक दूसरे के लिए आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शुचिता देखने को मिलती है और ये शुचिता हमेशा देखने को मिलती रहनी चाहिए ताकि जनता में विश्वास जो राजनीतिक दलों के प्रति कायम रहे, नेताओं के प्रति कायम रहे और जनादेश के प्रति कायम रहे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।